हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग में। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय जानेंगे, पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है, प्रत्यय क्या होते हैं, इनके बारे में बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे, आपका पेपर भी है ओल्ड ईयर का हमारे पास, कि कैसे एग्जाम में आप अभी तक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आज के वीडियो में आप कम से कम 5 नंबर का सीख के ही जाएंगे, और एक बार वीडियो अगर देख लिया तो आपके ये 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपसर्ग, पहले जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग परिभाषा सुनिए इसकी, कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में, यानी इसे आदि कह सकते हैं, आरंभ में जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, वे कहलाते हैं उपसर्ग। फिर से सुनिए डिफिनेशन, कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। पूरी डिफिनेशन देख लीजिए, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। फिर से देखिए इसकी डेफिनेशन, कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात उसका अर्थ जो है वो बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमने कोई शब्द लिया कार, कौन सा शब्द लिया कार, अब इसके पहले कोई भी उपसर्ग जोड़ दीजिए, देखिए इसका अर्थ कैसे बदल रहा है। जैसे हम लोगों ने यहां पर लिख दिया कार है, इसके पहले हमने जोड़ दिया वी, तो ये क्या हो गया, विकार हो गया। इसी प्रकार हम लोगों ने एक नया शब्द लिया आचार, कौन सा शब्द लिया आचार, इसके पहले अति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये अति प्लस आचार बराबर हो जाएगा आपका अत्याचार। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को उस उपसर्ग समझ में आ गया होगा। बाद बाकी मैं अभी प्रत्येक की डिफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। आप लोग चाहें तो इस डिफिनेशन को याद कर सकते हैं। बाद बाकी आपके पेपर में जो पूछा जाएगा वहां पर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके कोई एक एक शब्द बनाइए, यानी 3 उपसर्ग दिए जाएंगे आपको, एक एक शब्द बनाना रहेगा। तो आइए प्रत्यय भी देख लेते हैं हम लोग। प्रत्यय ये कहां पे लगता है, ये अंत में लगता है। ये ध्यान रखेंगे कि उपसर्ग जो था वो किसी शब्द के हम लोग पहले लगा रहे थे, लेकिन प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के बाद में लगेगा और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा, प्रत्यय कहलाएगा। देखते हैं इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके
अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से देखिए इसकी परिभाषा क्या है। प्रत्यय बताया हमने कि जो अंत में लगे, यानी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के कहां पे लगेंगे, अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा पढ़ और इसमें अगर आई प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो हो गया ये पढ़ाई। क्लियर। और एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रत्यय लिखा है आपका आवट, ये प्रत्यय है लिखा है, अब इससे पहले ऐसा शब्द जोड़िए ये आवट शब्द उसमें निकले। जैसे हमने यहां पर जोड़ दिया सजा प्लस आवट, पूरा अर्थ बदल गया। सजा देखो यहां पे क्या निकल रहा था, सजा देना किसी को, और आवट शब्द जोड़ा जैसे ही ये क्या बन गया, सजावट बन गया। तो ये प्रत्यय भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्रत्यय क्या है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने बताया अभी पढ़ लिखा फिर आई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, पढ़ाई। उसी प्रकार सजा वर्ड लिखा, शब्द लिखा पहले, आवट उसमें प्रत्यय जोड़ा, हो गया सजावट। अब देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में अभी तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए आपका पेपर दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा हुबहू पेपर में है वैसा ही हम उतार रहे हैं। 9 का है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसी में से मैं ले रहा हूं। लिखा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। वो सारे शब्द मैं लिख रहा हूं, फिर आपको उसका आंसर कर रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है। पहला शब्द दिया है इन्होंने अनु, दूसरा दिया है परि, तीसरा दिया है अभी, चौथा दिया है अप, पांचवा दिया है सु, और छठा दिया है अधि। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। आप लोगों को इनमें से केवल तीन के बनाने थे। देखिए लिखा है किन्हीं तीन के मेल से, और मात्र एक एक शब्द बनाना था। और ये पूरा जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है आपका, यानी एक उपसर्ग 1 नंबर का है। तो लिखते हैं, जैसे अनु लिखा है तो क्या लिखेंगे अनु का, एक तो हो गया आपका अनुमान, अनुमान, अनुसार, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अनुसार, अनुमान, अनुसार। ये ध्यान रखिए क्या हम का सॉल्व कर रहे हैं, उपसर्ग सॉल्व कर रहे हैं। उपसर्ग कहां पे लगते हैं, किसी शब्द के शुरुआत में, यानी आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल दें वो उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परि, परिमाण, परिभाषा। अगला देखिए अभी, अभिमत हो गया, अभिशाप हो गया। नेक्स्ट अप से देखिए
अपमान, अपकार, सुगम, सुमन, अधि से देखिए अधिकार, अधिगम, अधिगम, ये आपके थे। इसमें से आपको सिर्फ 3 सॉल्व करने थे और मात्र एक एक शब्द बनाना था। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो जो 2023 का भी पेपर आएगा तब भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसी आधार पर होंगे और लगभग इसमें से भी आपको 2 या 3 मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए एक बार फिर से और इसके बाद में मैं आप लोगों को प्रत्यय बताने चल रहा हूं। चलिए देखते हैं प्रत्यय। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो नौका खा है। नौखा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके, इसमें क्या है किन्हीं 2 का प्रयोग कर रहा है। किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो 2 मार्क का है, पूरे 2 नंबर यहां से उठेंगे आपके। तो देखिए शब्द क्या लिखे थे इन्होंने, पन, दूसरा शब्द लिखा था आई, तीसरा शब्द था वट और चौथा था हट और ता। देखिए ये इस बार के पेपर में थे और अगले ईयर के पेपर में भी ये आ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे आपको करना है। प्रत्यय की परिभाषा बताई थी अभी, आप लोगों को याद होगी कि ऐसे शब्दांश, प्रत्यय के लिए क्या है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़े, यानी जो ये दिए गए हैं इनको आपको शब्द के अंत में लगाना है। ऐसा शब्द बनाइए कि ये लास्ट में उसके निकले, प्रत्यय हो जाएगा आपका क्लियर। देखते हैं कैसे। जिसे पन लिखा है, बचपन, बचपन तो सभी को याद होगा, बचपन हो गया। गिनतियों में चले जाइए, 55 लिख सकते हैं, क्लियर। आई देखिए, अभी बताया था हमने उदाहरण में भी, पढ़ाई, लिखाई, क्लियर। वट देखिए, सजावट, बनावट। हट देखिए, सर सरा हट, घबराहट। ता दिया है, लिखिए सुंदरता, सजीवता। देखिए फिर से देख लेते हैं, पन के क्या बनाए हम लोगों ने, पन लास्ट में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए पन, बचपन हो गया आपका, दूसरा हम लोगों ने लिखा 55, आई शब्द आना चाहिए लास्ट में, आ रहा है पढ़ाई लिखाई, आई लास्ट में निकल रहा, वट सजावट, बनावट, वट निकला दोनों में, हट सरसराहट, घबराहट, ता सुंदरता, सजीवता। इस प्रकार से आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर करने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यहां से आपके पूरे 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट है फिर भी तो आप लोग आस्क कर सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।